हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर ब्लॉग्स। दिस इज मी योर होस्ट नितिन। तो गाइज, आज करने वाले हैं 3-4 मजेदार टॉपिक्स को कवर। नंबर वन, आज करने वाले हैं हमारा ये स्पेशल बॉक्स अनबॉक्स जो कि हमने मंगवाया है रॉयल एनफील्ड से। नंबर टू, आज बात करने वाले हैं गोरिल्ला 450 के रिव्यू के बारे में। और नंबर थ्री, आज बात करने वाले हैं सुपर मीटियोर 650 के चेन स्प्रॉकेट के अपडेट के बारे में। तो इन सब चीज़ों के ऊपर करेंगे बात। लेकिन अगर उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले अनबॉक्सिंग से इस वीडियो की। इस बॉक्स के अंदर जो है उसका इंतज़ार आप में से बहुत सारे लोगों को बेसब्री से था, और टेक्निकली अगर सही बात बोलूं तो मुझे भी था। तो आओ पहले देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आया है। देखो, वैसे तो मुझे पता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि रैपर खोल के अंदर देखने का जो एक मज़ा होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो आओ ज़रा भाई फटाफट इसको खोलते हैं। इधर से खुल गया है। अब भाऊ जी इधर से खोल लेते हैं इसको। एक तो पैकिंग रॉयल एनफील्ड इतनी अच्छी करते हैं ना का इसकी मतलब नेक्स्ट लेवल, इनकी पैकिंग का आप कोई मुकाबला कर ही नहीं सकते। सो ये हो गया, और इधर से आओ ये वाला भी निकाल देते हैं। तो गाइस, इस डब्बे के अंदर आए हैं मुझे, एक तो आए हैं ये दो फुटपैग्स जो कि मैंने स्पेशली अपनी सुपर मीटियोर के लिए मंगाए थे। यानी कि ये एक्चुअली ये वाले जो थे, ये दोनों थोड़े से अलग अलग हैं। ये फ्रंट के अलग हैं, रियर के अलग हैं। तो ये दोनों मैंने फुटपैग्स मंगाए थे सुपर मीटियोर के लिए। और इसके साथ इसके अंदर है वो चीज़ जिसका आप सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था। तो जी हाँ, ये आ चुकी है रॉयल एनफील्ड की फॉग लाइट, जो कि आप सब मेरे से बहुत दिनों से कह रहे थे कि फॉग लाइट कब लगाओगे, कब रिव्यू आएगा। तो भाइयों ये देखो, फॉग लाइट आ चुकी है। ये रही उसकी वायरिंग कम हार्नेस, ये रहे इसके वो पैड्स जो कि लगा करके लेग गार्ड पे टाइट करेंगे, और ये रही मेरी फॉग लाइट। ठीक है, तो अब फॉग लाइट आ चुकी है। बहुत जल्दी इसके ऊपर लगा करके इसका रिव्यू किए कैसी रहने वाली है, इसकी लाइट का थ्रो कैसा है, और आपको ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसके ऊपर एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बहुत ही जल्दी मेरा आने वाला है, जो कि एक डिटेल्ड वर्डिक्ट वीडियो होने वाला है इस पर्टिकुलर फॉग लाइट का। लगाएंगे पहले तो, और लगाने के बाद रात के टाइम आपको उस फॉग लाइट का फर्क भी दिखाऊंगा। और देखो, गुड़गांव में इस समय मौसम चल रहा है बारिश का, तो कोशिश करेंगे। अब देखो, बारिश देखो एक ऐसी चीज़ है जो मेरे हाथ में तो नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि दिन शाम के टाइम दिखाएं, डीप नाइट में दिखाएं, और स्पेशली जब बारिश हो रही हो तो दिखाएं। तो कोशिश ज़रूर करेंगे, कोशिश मेरे हाथ में है। तो ये तो हो गई फॉग लाइट। उसके बाद ये देखो, उसके बाद ये मैंने मंगाए थे अपने लिए फुटपैग्स। अब इसमें क्या है वो बताता हूँ कि ये एक्चुअली इसमें फ़र्क क्या है। तो ये देखो, तो ये है फुटपैग्स का सेट। इस बार हमेशा मैं मंगवाता हूँ जो फुटपैग्स, वो आपने हमेशा देखा होगा कि आते हैं मेरे पास सिल्वर कलर में, लेकिन इस बार मैंने ब्लैक, इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ चेंजेस किए जाएं, और इस बार क्यों ना ब्लैक कलर को प्रेफरेंस दी जाए। तो इस बार मैंने मंगाए हैं ब्लैक कलर के फुटपैग्स। और ये देखो, एक ये रहा और एक रहा ये देखिए, दोनों फुटपैग्स आ गए ब्लैक कलर के।
और ये भी बता देता हूँ कि ये फ्रंट है कि रियर है, क्योंकि इसमें भी एक थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है कि यहाँ पे ना एक छोटी सी बॉल या कहते हैं स्टील बेयरिंग लगता है जो कि फ्रंट और रियर को डिफाइन करता है। तो एक बार वो भी दिखाता हूँ, तो एक बार इस पर चेक भी कर लेते हैं कि ये वाले फ्रंट हैं कि वो वाले फ्रंट हैं। तो गाइज अगर हम बात करें तो इस पर फिलहाल ये तो नहीं लिखा है कि फ्रंट हैं कि रियर हैं, लेकिन इसके साथ ये वाला भी जो बॉक्स है ना रॉयल एनफील्ड का, इस पर चेक करते हैं। ओके, मेरे ख्याल से शायद ये वाले पीछे के हैं। दीज आर पिलियन फुटपैग्स। आओ देखते हैं इसमें क्या फ़र्क आता है उस वाले फुटपैग से, और इसका भी इंस्टॉल पूरे बढ़िया से करेंगे अपनी गाड़ी के ऊपर, और फिर आपको दिखाता हूँ। तो इसको भी ज़रा खोल लेते हैं। ओके, तो ये देखिए अगेन पीछे वाले जो आते हैं उसके साथ जो रॉड्स लगनी हैं वो भी आई हैं, और ये देखिए ये इसके जो सॉकेट्स हैं ये बिल्कुल अलग आते हैं। ये देखिए तो उस वाले फुटपैग्स में ये सॉकेट्स जो हैं, अगर आप देखो अगर तो वो जुड़े हुए हैं। इस वाले फुटपैग में ये जो सॉकेट्स हैं ना, ये देखिए ये सुपर मीटियोर की ही टेक्सचर में आए हैं, और ये अलग से आए हैं दोनों। तो ये फ़र्क है फ्रंट और रियर वाले फुटपैग्स में। और ये देखिए साथ में ये देखिए, तो ये जो है ना ये यहाँ पे उसमें बॉल बेयरिंग जो होती है, रिंग बॉल बेयरिंग जो आप भी आप कहना चाहो कह सकते हो, स्टील बॉल लगती है, और उसके बाद ये इसके अंदर लगता है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके आई थिंक सो नहीं, ये इस तरीके से लगेगा, और इसके बीच में वो रिंग बॉल लगेगी जिससे कि ये कट कट करके एडजस्ट हो, और ये चीज़ आपकी गाड़ी के ऊपर कसी जाएगी। तो ये चीज़ एक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने में। तो ये देखिए ये भी मैंने ब्लैक कलर में स्पेसिफिकली मंगाए थे, क्योंकि मैं चाहता ही ये था कि ब्लैक में आएंगे तो एक तो देखने में भी मज़ा आएगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा बहुत सिल्वरिश सा हो जाता है, तो मैंने कहा थोड़ा सा चलो इस बार ये बार ब्लैक कलर में मज़े लेते हैं। तो ये तो आ गया हमारा मिस्ट्री बॉक्स, जिसके अंदर से निकली है हमारी फॉग लाइट्स, और उसके साथ साथ हमारे निकले हैं ये दो फुटपैग्स। और अब बात करते हैं आओ हमारी रीसेंट लॉन्च गाड़ी दैट इज गोरिल्ला 450 के बारे में। तो गाइज हुआ यूं कि आपको गोरिल्ला 450 वर्सेस हिमालयन 450 का डिटेल्ड वीडियो इसी वीक मिला होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या था कि माइक में कुछ इशू आ गया था, तो माइक की साउंड आई डोंट नो क्या हुआ, वो साउंड की जगह पे बहुत अजीब सी डिस्टॉर्टेड साउंड थी, तो डिस्टॉर्टेड साउंड का वीडियो डालने का कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए मैंने नहीं डाला। गाड़ी दोनों हमारे पास आ चुकी हैं, गोरिल्ला एंड 450 हिमालयन दोनों। इसका एक डिटेल्ड दोनों के बीच के डिफरेंसेस का ओवरव्यू, कौन से बंदे को कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए वो, और उसके साथ साथ एक डिटेल्ड गोरिल्ला 450 का राइड रिव्यू भी बहुत जल्दी आने वाला है चैनल पर। अब ये तो हो गई दो बातें, और तीसरी बात करते हैं रॉयल एनफील्ड सुपर मिटियोर के चेन स्प्रॉकेट के बारे में। तो रॉयल एनफील्ड सुपर मिटियोर 650 के चेन स्प्रॉकेट के ऊपर अपडेट आ गया है गाइस। अपडेट ये है कि कंपनी वो सारी गाड़ियां जिनमें 10,000 किलोमीटर या एक साल से कम के अंदर में स्प्रॉकेट खराब हो रहा है उनको रिप्लेसमेंट प्रोवाइड कर रही हैं, और बेटर पार्ट ऑफर किया जा रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आपका स्प्रॉकेट बिल्कुल ठीक ठाक है, 4 या 5 नंबर पे ही है, और आप जाओ कि जी चेंज कर दो, नहीं। अगर आपका स्प्रॉकेट यूजेबल रेंज के बाहर जा चुका है और गाड़ी आपकी 10,000 किलोमीटर या एक साल से कम चली है, तो रॉयल एनफील्ड इसमें आपको रिप्लेसमेंट एज अ गुडविल प्रोवाइड कर रहा है। तो ये थे छोटे छोटे कुछ 2-3 अपडेट्स जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी थे। अब तैयार हो जाओ, धमाकेदार वीडियोस आने वाले हैं, फॉग लाइट का वीडियो, गोरिल्ला 450 का वीडियो, राइड रिव्यू, रात को बरसात में वीडियो, फुटपैग्स का वीडियो, मतलब बाहर आने वाली है। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में, तो तब तक स्टे ट्यून्ड,
स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, और चैनल भाइयों सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ, और आप में से बहुत सारे भाई हैं जो आते हैं, देखते हैं, प्यार देते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और देखिए अब धमाकेदार वीडियोस आने वाले हैं।